सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टारगेट यूपी टेट सी टेट चैनल में। दोस्तों, मैं रेनू आपको बताने वाली हूँ कि डीएलएड में कब से प्रवेश शुरू होने वाले हैं और किस तरीके से प्रवेश होने वाले हैं। 2021 में जितने भी लोग डीएलएड में या बीटीसी में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए क्या क्या प्रोसेस है, इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाली हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस बार लिखित परीक्षा से होगा डीएलएड में प्रवेश। अभी तक प्रवेश कैसे होता था? अभी तक प्रवेश होता था आपकी मेरिट से, आपका हाई स्कूल इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन में जितने मार्क्स होते थे उसी पर आपकी मेरिट बनती थी। और अगर आपकी मेरिट अच्छी होती थी तो आपको डायरेक्ट मिलता था, अगर मेरिट थोड़ी कम होती थी तो आपको निजी कॉलेज में एडमिशन मिलता था। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, लिखित परीक्षा से डीएलएड में प्रवेश होगा। दोस्तों, जो डीएलएड में प्रवेश है इसमें थोड़ा सा, अब चूंकि आप लोगों को ऑलरेडी मैंने बताया कि इस तरीके से पहले मेरिट पर प्रवेश होता था, लेकिन अब मेरिट पर प्रवेश ना होकर के अब लिखित परीक्षा होगी इसके लिए, यानी कि रिटर्न एग्जाम होगा। और उस रिटर्न एग्जाम को जो जिनके बेहतर नंबर रहेंगे उनको डायरेक्ट मिलेगा, और जिनके बेहतर नंबर से थोड़े से कम रहेंगे उन्हें निजी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। दोस्तों, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 2 लाख से ज्यादा सीटें हैं डीएलएड में प्रवेश के लिए। यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ स्पष्ट रूप से कि कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होते ही डीएलएड 2021 में प्रवेश के लिए प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस सत्र से डीएलएड में प्रवेश लिखित परीक्षा से कराने की तैयारी है। अभी तक इस पाठ्यक्रम में मेरिट के आधार पर प्रवेश होता आया है, इस संबंध में प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। यानी कि यहाँ पर स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि जो पीएनपी की तरफ से प्रस्ताव है वो शासन को भेज दिया गया है कि डीएलएड 2021 में प्रवेश परीक्षा कराई जाए। चूंकि 2020 में प्रवेश नहीं हो पाया था कोरोना संक्रमण के कारण ही, तो यहाँ पर अब आप देखिए, शिक्षकों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सरकार ने लिखित परीक्षा से प्रवेश लेने का निर्णय लिया है। क्योंकि डीएलएड की सीटें भले ही 2 लाख हों, लेकिन डीएलएड करके शिक्षक भर्ती के लिए मान्य अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी पास करने वाले अभ्यर्थी कम होते हैं। मसलन 2020 की टीईटी में प्राइमरी स्तर पर 29.74% तो उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा में मात्र 11.46% अभ्यर्थी ही सफल हो पाए। वहीं इसके बाद प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी अभ्यर्थियों की सफलता का प्रतिशत कम होता है। उदाहरण के तौर पर 68,500 शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आयोजित लिखित परीक्षा में लगभग 55,000 अभ्यर्थी ही सफल हुए। प्राइमरी स्कूल में शिक्षक बनने के लिए डीएलएड के बाद टीईटी और फिर शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी कि यूपी टेट और सुपर टेट पास करना अनिवार्य है। हालांकि डीएलएड की लिखित परीक्षा को लेकर संशय बरकरार है, क्योंकि यदि संक्रमण इसी तरीके से रहा तो प्रवेश परीक्षा पर संकट है। सरकार ने पिछले वर्ष भी डीएलएड में प्रवेश नहीं लिया था, जबकि निजी कॉलेजों ने सरकार पर प्रवेश लेने के लिए दबाव बनाया था, लेकिन स्नातक की परीक्षाएं देर से होने के कारण प्रवेश नहीं हो पाए थे। क्योंकि बीए, बीएससी, बीकॉम यही सब बच्चे आते हैं फिर डीएलएड में एडमिशन लेते हैं, तो कहीं ना कहीं चूंकि इनके रिजल्ट नहीं समय से आए थे जिसकी वजह से डीएलएड में प्रवेश नहीं ले पाए थे। बहुत सारे छात्र छात्राएं जिन्हें डीएलएड में प्रवेश लेना था लेकिन वो डीएलएड में प्रवेश नहीं ले पाए थे, तो अब यहाँ पर देखिए लिखित परीक्षा से ही डीएलएड में प्रवेश होगा, ये आप लोग जान लीजिए। और 2 लाख से अधिक सीटें हैं ये तो आप लोगों को पता ही है कि पूरे प्रदेश में, तो इस तरीके से यहाँ पर आप ये पूरी खबर देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको एडमिशन लेना है डीएलएड में तो आपको पता है कि 4-4 सेमेस्टर होते हैं, 4-4 बार इंटरनल एग्जाम, 4-4 बार एक्सटर्नल एग्जाम होते हैं, और आप लोगों की हर एक सेमेस्टर में 30 डेज के लिए टीचिंग लगती है, तो ये आप लोग जान लीजिए। तो ये यहाँ पर मैंने आपको डीएलएड में प्रवेश की पूरी प्रक्रिया बता दी है, किस तरीके से पहले होता था, किस तरीके से अब होगा। तो जो भी भाई बहन एडमिशन लेना चाहते हैं डीएलएड में, वो लोग, अगर आपको फिर भी कोई डाउट है कैसे क्या होता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरी प्रक्रिया बता दूंगी। और यहाँ पर ऑलरेडी मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको जितना हो सके उतना जानकारी दे दूं, फिर भी अगर कोई समस्या है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का भी ख्याल रखिएगा और ऐसे ही चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद।